हमारी घर वापस जाने की तैयारी है कल की। इतना तेज तूफान आ रहा है इस टाइम में, क्या बताऊँ। बस आज का व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, बाकी सब लोग अभी खाना खाने बाहर गए हैं। इट्स 12 AM, कल हमारी दोपहर की 1:30 बजे की फ्लाइट है वापस दिल्ली। तो बस 90 दिन से हम घूम रहे हैं, ये हमारे बैग्स हैं, ज़्यादा सामान हम रखते नहीं। गुड मॉर्निंग, वापस जाने का दिन। 11 बजे पहुंच जाते हो, क्योंकि आधे घंटे गाड़ी वाले से लड़ना भी है। ऐसे वाले बैग्स का वो भूल जाओ ना कोड, तो इसको है ना थोड़ा सा टिल्ट करके इधर से देखना हमेशा, या ये एक स्पेस बना होता है जो ये वाला छोटा सा, तीनों में लैश आ गया इस तरफ 45 पे है ना, तो पक्का इसका कोड इसके दो बाद है, यानी कि 1 2 1 2 1 2, और यहाँ पर ये खुल जाता है। सबकी पैकिंग हो गई है तैयार, बस अब निकलने हो कभी भी तैयार। एक बार फिर से देख लेता हूँ इस एरिया को। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो उसके लिए एटीएम कार्ड जा, उसके लिए एटीएम जा रहे हैं बस। नमस्ते भैया, थैंक यू सो मच। रूम इज क्लीन एज वी गॉट इट, नाउ वी आर चेकिंग आउट, से बाय। डोंगल जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल स्टे, प्लीज टेक केयर, अपना ध्यान रखना। मन बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ रह गया है ना, अपना ध्यान रखना ठीक है। जा रहे हम, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना ठीक है, बाय बाय। डे वन पे जो गाड़ी ली थी उसका आधार कार्ड अभी तक ड्राइवर के पास ही था, तो उसका चक्कर नहीं लग रहा था यहाँ पे, मेरा वहाँ जाने का ही लग रहा था, तो अभी वो मुझे मरगांव बस स्टैंड पे मिलने वाला है, आधार कार्ड लेके निकलेंगे। बाय बाय कोकोनट ट्रीज, बाय बाय स्कूटी वाले भैया, बाय बाय इतनी सारी स्कूटियाँ, बाय बाय ट्रेन, वन लास्ट टाइम। थैंक यू। अब तो प्लान डन है बंटी, जैसे मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ लाउंज में कुछ खा रहा हूँ ना, यहाँ पे लाउंज नहीं है, कुर्सी है ना, मैं किसी भी कुर्सी पे बैठाऊंगा, तुम वहां से भागते हो ना, उस ये तो विक्रम अपलोड्स है, हम तो इसी को देख के गोवा आए थे, अब इसको साथ लेके जा रहे हैं। ओके, कुछ ओके नहीं है यार। आशिक तू गोवा का सबसे ज्यादा क्या मिस करेगा? ये कंपनी और कुछ नहीं, यहाँ का वेदर जो एकदम चेंज हो जाता है। नाइस, अभी धूप है, कर मिस, हम तुझे मिस करेंगे। जो मैं आप लोग को मिस करूंगी, और पर्पल मार्टिन मिस करूंगी, गोवा को ही मिस करने वाले। अभी मैं से पूछा ही नहीं, क्योंकि डेंट था, तो भैया चेक कर रहे हैं, फिर हम गाड़ी वापस देके बस निकल रहे हैं। वी आर एट द एयरपोर्ट ऑलरेडी। कितना टाइम लगेगा, हमारी फ्लाइट है ठीक है। थोड़ा सा बम्पर और हेडलाइट का इशू था, तो अभी अब वर्कशॉप जाना पड़ेगा, फ्लाइट कभी भी निकलेगी। मस्त लाइफ है, क्या बोलूं, मेरे को लग रहा है कल का दिन अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, वैसे वीडियो आ गई होगी। अब जस्ट अभी एयरपोर्ट आए थे, अब एयरपोर्ट से वापस जा रहे हैं। मारुति के शोरूम पे वो बताएंगे कितना खर्चा है, एक्स्ट्रा खर्चा। अब बस हमारे पास आधा घंटा है, जिसमें सिक्योरिटी चेक इन और बैग सब करके फ्लाइट बोर्ड भी करनी है। धूम 3 का 7वां बोना। जस्ट अभी सिक्योरिटी क्लियर हो गई है, उन्हें मेरी टी शर्ट बहुत पसंद आई है, सो थैंक्स टू बंटी। अभी अभी अपडेट आई है कि वो टी शर्ट मेरी है। तो पंखा देखो यार, बस गोवा एयरपोर्ट का यही जा रहा है अंदर। सो दिस इज गोवा डाबोलीम एयरपोर्ट्स डिपार्चर लाउंज।
दो तीन फूड स्टॉल्स हैं, बाकी बीच में काम चल रहा है। USP है बहुत बड़ा पंखा। यहाँ पे करी चिकन है, idli.com है, कैफेचिनो बार है जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पियो आराम से, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हो आगे विम्बली से। और बोर्डिंग गेट पे हमें मैंडेटरी मास्क, फेस शील्ड और दो तीन सैनिटाइजर के पाउचेस मिले। रोको को 5 वड़ा पाव और पीने में क्या लोगे? पीने में कुछ नहीं, 5 वड़ा पाव। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बर्गर अभी आया नहीं है। थैंक यू। 250 रुपये का ये बर्गर आया है जिसमें बस मेयोनीज है, बताओ। थैंक यू भैया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अपना ध्यान रखना। तो जब भी एयरपोर्ट पे आओ, ट्रेन में जाओ, कहीं बस में जाओ, ट्रैवल विद योर ओन बॉटल, सेव नेचर। इसको पहनना नहीं था, ये मिडल सीट। ये वाली फ्लाइट है हमारी, तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, सब एकदम दूर दूर दो दो मीटर पे चल रहे हैं। बाकी लेट्स सी अंदर क्या होता है, मुझे नहीं लगता उतरते टाइम तो राजीव चौक है। सिक्योरिटी प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ था। बोर्ड करने से पहले एक और सिक्योरिटी चेकिंग बिकॉज ऑफ 15 अगस्त। ये जो धुआं दिख रहा है प्लेन में, ये ऑक्सीजन फिल कर रहे हैं। न्यू नॉर्मल, ओके ओके डन। हम चारों ने अलग अलग सीट्स बुक कराई हैं ताकि हम में से किसी को भी PPE किट ना पहननी पड़े, सफोकेशन। बंटी वहाँ बैठा है, दीक्षु यहाँ बैठी है, आशिक यहाँ बैठा है, खो PPE किट पहन के यहाँ बैठी है। शील्ड मैंने उतार दिया है क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, मास्क मैंने पहना हुआ है और मेरी सीट पे कोई नहीं है। गेट टनल होती है, ये वापस ले लिए। बस इन भैया ने ओके कर दिया, अब हम जा रहे हैं। मेरा पूरा प्लान था इसके ऊपर चढ़ के जाने का, अब नहीं जा सकता क्योंकि इंस्ट्रक्शन है। सिद्धू मूसे वाला भी हमारे साथ है, ट्रैक्टर। रिक्शा में नॉर्मली ट्रैवल करते रहते हैं तो टेक ऑफ और लैंडिंग में हमें वो वाली घबराहट और वो सब नहीं होता है जो मे बी नॉर्मल लोगों को होता होगा। मुझे मिल गया पूरी जर्नी का फेवरेट टाइम पास, मैं इस विंग को घूमता हुआ देखता रहूँगा। पायलट को रास्ता यही भाई साहब दिखाएंगे, बादशाह का प्राइवेट जेट ही रहा। बाय बाय गोवा, दैट इज ग्रैंड आइलैंड। ये जो प्लेन के बीच में ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, बंटी की टी शर्ट है और उसका पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है, चीज है ये। अश्वेम और मैंड्रेम है, अब आएगा आरंभोल, दैट इज आरंभोल। तुम्हारा साकेत, सिलेक्ट सिटी वॉक। बारिश आ रही है बाहर, तो प्लेन में इतनी भीड़ नहीं है, मैं खाली सीट्स के साथ ही आया हूँ, बट स्टिल फिंगर्स क्रॉस्ड। देखते हैं वापस उतरते टाइम,
लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं या नहीं। चेकिंग बैगेज इज अवेलेबल ऑन बैगेज पिन नंबर 1 एंड अराइवल हॉल। थैंक यू। बाढ़ में जाए कोरोना। तो यात्री हमारे साथ ट्रैक्टर ड्रोन का, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ध्यान दीजिए सभी यात्रियों, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करता, एक दूसरे से पर्याप्त। यही है थर्ड वेव भाई, यही है थर्ड वेव। रिक्वेस्टिंग पैसेंजर्स टू मेंटेन सेफ डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। इंडिगो की ओर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। दिल्ली आ गए। So this ends our Goa trip. It was amazing stay of 55 days. 4 days. Huh? 51 without him. बिना पढ़े नहीं जाना यहाँ से। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। बैगेज आएगा हमारा बेल्ट नंबर 1 पे। बेल्ट नंबर 1। हाँ, इस पे ये 11 लग रहा था मुझे। ये जो गुड बायज होते हैं ना, गुड बाय बाय फिर मिलेंगे, यही बड़े बेकार लगते हैं मुझे। दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली, हेलो। हेलो मम्मी, नमस्ते, कैसे हो आप? बढ़िया। आ जाओ। मुझे पूरी दिल्ली की याद नहीं आ रही थी, इसी की आ रही थी बस। मम्मी आई लव यू। लव यू मेरा बेटा। चलो खोलो यार, खोलो जल्दी, खोलो, अनबॉक्सिंग कर दो फटाफट से वॉच की और पॉट्स की। चलो चलो, दुनिया की सबसे छोटी अनबॉक्सिंग हुई है ये। तो गाइस, एप्पल वॉच की 2 सेकंड की अनबॉक्सिंग के बाद ये एयरपोर्ट अंदर है। ये इसको खोल के देखते क्या है, इसको खोल के देखते क्या है, क्या लिखा है इस पे एयरपोर्ट में। हो गई अनबॉक्स। सुबह गोवा में थे, अब दिल्ली में है, खाना खा लिया है। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।